चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल 2022 का सीजन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा है। लगातार 4 मैचों में हार के बाद टीम को पहली जीत मिली। हालांकि इसके बाद भी टीम की हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि टीम की गेंदबाजी पिछले सीजनों की तुलना में कमजोर लग रही है, जिसकी वजह है दीपक चाहर की गैर मौजूदगी। चेन्नई की सफलता में बड़ी भूमिका निभाने वाले देहात के इस तेज गेंदबाज को चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ रहा है और अब वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। ऐसे में सीएसके के लिए आने वाले दिन मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन अब आईपीएल 2022 से बाहर होने के बाद दीपक चाहर ने अपने फैंस के लिए एक भावुक संदेश दिया है और दीपक चाहर अपना दुख छुपा नहीं पाए। आपको बता दें कि दीपक चाहर के लिए आधिकारिक ऐलान आईपीएल की ओर से किया गया, जिसके बाद दीपक चाहर ने भी चेन्नई सुपर किंग्स और अपने फैंस से सीधा संपर्क किया और उनके लिए एक भावुक संदेश देते हुए दमदार वापसी का वादा किया। दीपक चाहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान जारी करते हुए लिखा कि मैं माफी चाहता हूं साथियों, दुर्भाग्य से मैं चोट के कारण इस आईपीएल सीजन से बाहर रहूंगा। मैं इस बार खेलने के लिए उत्सुक था, लेकिन हर बार की तरह मैं दमदार वापसी करूंगा। अपने प्यार और शुभकामनाओं के जरिए मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, आपकी दुआओं की जरूरत है। आपको बता दें कि दीपक चाहर को फरवरी में भारत वेस्टइंडीज T20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी। इसके बाद से ही दीपक चाहर नेशनल क्रिकेट अकादमी में मेडिकल टीम की निगरानी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक हैमस्ट्रिंग की तकलीफ पर काम करते हुए उनकी पीठ में भी चोट लग गई, जिसके कारण दीपक चाहर अब आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं और चेन्नई सुपर किंग को दीपक चाहर के बाहर होने के बाद तगड़ा झटका लगा है। तो दीपक चाहर के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।